हेलो, मैं हूँ शारदा सिन्हा और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन तलाक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। पीड़िता ने सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार अपने तय समय में कानून बनाकर महिलाओं की मदद करेगी। आपको बता दें कि महिला के पति ने कई बार अमानवीय बर्ताव करने के बाद महिला को तलाक दे दिया था। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पति ने महिला को तलाक दे दिया। उस दिन से ही महिला न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रही है। जी, 6 महीने के लिए बरकरार रखा गया। मैं चाहूंगी कि कानून सख्त से सख्त बना जाए कि महिलाओं को ऐसे तलाक ना दिया जाए। महिलाओं की यही रहती है कि वो अपने बच्चों में अपने घर परिवार को जोड़ना चाहती है, लेकिन इस बात को कहाँ समझते हैं पति जी। यही वजह रही कि मैंने घर बनाने की कोशिश की, लेकिन घर में ये नहीं सोचा कि औरत का भी कुछ दिल होता है या नहीं है। जरा सी कोई बात हो गई तो मार पीट, उल्टी सीधी बातें, बस ये कर मार पीट कर बस तलाक दे दिया जी। समाज के लोगों के बीच में बैठकर सबके सामने तलाक दे दिया जी। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरी जैसी और महिला है उन्हें भी इंसाफ मिले। महिला बच्चों को लेके कहाँ जाए, घर से बाहर कर दिया जाता है उन्हें, तलाक करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। महिलाएं बच्चों को छोड़ नहीं पाती हैं। ममता मई हमेशा से, सदियों से ममता मई महिला कही जाती है, तो वो कहाँ जाए बच्चों को लेके, किसके पास जाए, कहाँ वो बच्चों को पाले या बच्चों की परवरिश के लिए कमाए, क्या करे वो। मतलब यही चीज़ हो गई है कि पुरुष शादी करें, बच्चे पैदा करें और महिलाओं को छोड़ दें। बिल्कुल, केंद्र सरकार को चाहिए कि महिलाओं के पक्ष में एक ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को जिनका मकसद केवल महिलाओं को यूज करना है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।